नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट में बीजेपी की प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और ऑडियंस ने मिलकर इंडिया अलायंस की तीन प्रवक्ता को भयंकर तरीके से धोया है। खास करके कट्टर ईमानदार नेता को नानी याद दिला दिया ऑडियंस ने। दोस्तों आज की डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। मेरा सवाल पहले भाटी जी से है। सर आप बोल रहे हैं कि हमारे किसान जो जवान है देश के वो आज लड़ रहे हैं, ऐसे कौन से किसान है जो फरवरी और मार्च के महीने में जाके लड़ रहे हैं अपने खेत खलियान छोड़ के, जिससे उनको प्यार होता है? और मेरा दूसरा सवाल विवेक जी से है। सर आप कह रहे हैं कि बिजनेस क्लास के लोग आए थे, एक्टर्स आए थे, तो सर ईश्वर क्या सिर्फ किसी एक के हैं? कोई एक ही जाएगा? अमीरों के लिए मंदिरों में अलग लाइन लगानी सही नहीं है? आप सही कह रहे हैं, पैसा दो जल्दी दर्शन होगा। सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। क्या, एक सेकंड, एक सेकंड। अब देखिए, क्यों कई बार क्या होता है कि जो आप वहां पर नहीं थे, मैं वहां पर था। अब मैं आपको व्यूअर्स बताता हूं, क्योंकि आज बोला गया कि देखिए वीआईपी के लिए अलग लाइन होगी। वहां पर सब लोग सामान्य थे, साधु संत भी उसी लाइन में थे। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, विकी कौशल भी उसी लाइन पे थे, मेरे आगे लगे हुए थे, इसलिए मैंने खुद देखा है। सोनू निगम मेरे बगल में थे और कैलाश खेर मेरे बगल में थे। एक सेकेंड रुकिए, अब सुनिए। और सारे साधु संत भी वहीं थे, एक एक व्यक्ति वहीं था, कोई खास लाइन नहीं थी। और हालात ये थे, अनुपम खेर का एक वीडियो देख लीजिए आपको। अगर अगले दिन अनुपम खेर एक कॉमन आदमी की तरह वहां गए हैं और दर्शन करके अकेले आए हैं। बात यह है कि जिसको जहां मौका मिले दर्शन करें। आप गए कि नहीं गए राम मंदिर के दर्शन के लिए? बॉलीवुड का इवेंट था। गए कि नहीं गए? नहीं गए। गए कि नहीं गए? नहीं गए। तो फिर क्या मतलब बॉलीवुड का इवेंट था क्या? ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फैलाती है, और ये कौन किसान इस समय सड़क पर आएगा? ये फरवरी और मार्च का महीना किसान रबी की फसल में किसानों के लिए सबसे आराम का महीना होता है। अप्रैल में कटाई शुरू हो जाएगी, फिर किसान बिजी हो जाएगा। तो एक तो यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फैलाई चीज है। दूसरी बात, उनकी समस्याओं पर तो कोई ध्यान दे नहीं रहा कि वो मांग क्या रहे हैं, उसके उनके प्रति सहानुभूति भी तो होनी चाहिए। तर्क लेके आ रहे हैं, कौन सा किसान जींस पहनते हैं, कौन सा किसान पिज्जा खाते हैं, कौन सा किसान गाड़ियों में चलता है, ये अजीब कुतर्क हैं। किसानों की मांगें जायज हैं। इस देश में 75-76 साल की आज़ादी में किसान के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ था, गेहूँ की कीमत, गेहूँ जो बिकता था 35 पैसे किलो जी, और जो सीमेंट का एक बोरी आती थी 1 रुपए की, 3 किलो गेहूं बेच के हम सीमेंट की 1 बोरी खरीद सकते थे। आज गेहूं बिकता 20 रुपए किलो और सीमेंट की बोरी 350 रुपए की। हमें थी भारत में तो 1 रुपए की आती थी। ये सवाल है, ये बनती नहीं थी, यहां तो बाहर से महंगी आएगी, ये विषय से भटकाएंगे। 1947 में देखिए, सुनिए क्या बनता था क्या नहीं, जो मैंने कहा उसमें क्या गलत कहा। ये तुम्हें सच्चाई पे जाने जा रहे, या तो बॉर्डर पे जाओ, देख के आओ, चीजों को समझ के आओ क्या हो रहा है। उस टाइम जब भगत सिंह देश की आजादी के लिए लड़ा था ना, तो मान लीजिए ऐसी कोई लड़की खड़ी होकर पूछती कौन ऐसा लड़का है जो अपनी माँ को छोड़कर देश के लिए लड़ने के लिए जाएगा, लेकिन वो गया क्योंकि उसके दिल के अंदर आत्मा थी। बहुत सारे लोग नहीं गए, 2% लोग भी आजादी के आंदोलन में नहीं गए, अपने काम देख रहे थे, अपनी दुकानें चला रहे थे। लेकिन ये दिल की भावना वाली बात होती है। जो किसान वहां पर आ रहा है वो जानता है, क्योंकि अगर किसान नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं खा पाओगे। जी जी जी, आपका पॉइंट क्या है? वैसे एक बात बताएं किसानों पे, अगर इन लोगों को सुनिए, आज सिर्फ चुनाव में 90 दिन रह गए, इन लोगों में जो बात, इनको कैसे पता 90 दिन रह गए हैं? इलेक्शन कमीशन को यही बताते हैं। अरे भैया, इलेक्शन कमीशन को यही बताते हैं, तुम कैसे बता 90 दिन रह गए? 90 दिन रह गए बताओ अभी तक? नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो कहा नहीं, ये पढ़ा लिखा पार्टी वाला है, अंत तक चुनाव होने ही होने भाई, ये पढ़े लिखे पार्टी वाले होते हैं बचकाने के बाद। अरे भैया, आज 24 जनवरी से 90 दिन दौड़ो, 24 मई हुए ना, अगर इनको जरा सी वो होती तो किसानों से कहते, किसानों मत जाओ, इनकी सरकार कहती तुम वापस लौट आओ, 90 दिन बाद हम आने वाले सब कर देंगे, पर इनको पता है आएगा तो मोदी ही, इसीलिए सिर्फ चिल्लाने का अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट क्या, पॉइंट क्या, पॉइंट क्या? मेरा ये पॉइंट है कि आप बात कर रहे हो कि बॉर्डर पे जाके देखो, पर आप ही की सरकार थी जो बॉर्डर पे से जो जवान करके आए थे ऑपरेशन, उसकी वीडियो मांग रही थी वो पब्लिक बोली। जी जी जी, आप लेफ्ट से जो कह रहे हैं कि बॉलीवुड का इवेंट है, जब इस्लाम के इमाम के चीफ चले गए तो उनके खिलाफ फतवा क्यों आ गया?
गुड क्वेश्चन। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। बहुत खुशी हुई आप एक अभिनेत्री जया अमिताभ बच्चन जी की बहू के लिए आप सम्मान में खड़े हुए हैं। पूछना चाहूंगी, जब दिल्ली में हमारी महिला खिलाड़ी बैठी थी वहाँ पे, धरने पे बैठी हुई थी, महिला आयोग की अध्यक्ष को घसीट के पुलिस ले जा रही थी, आप में से या बीजेपी के किसी नेता ने भी उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई? किस लिए? क्योंकि वो अमिताभ बच्चन की बहू नहीं थी इसलिए? जवाब सर, जवाब लेते। जी जी, जो वहां बैठे ऊपर सुनिए, एक नहीं तीन लेवल की जांच हुई, दिल्ली पुलिस की जांच, इंडियन ओलंपिक कमेटी की जांच और सुप्रीम कोर्ट की जांच। और जो आपने कहा, मगर अंतर यह होता है, आपने देखा संदेश खाली पे चू, एक एयरपोर्ट का नाम रख दिया, सुनिए वाल्मीकि जी के नाम पे एक एयरपोर्ट का नाम रख दिया ताकि वो साहब पार्टी के अंदर आ जाए। भारत रत्न दे दो, भारत रत्न को रेवड़ी बना दिया सर, रेवड़ी ऐसे बांट रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भारत रत्न के बारे में रेवड़ी है, रेवड़ी है, रेवड़ी है, पीजे कुरियन का अपमान है ये, कर्पूरी ठाकुर को रेवड़ी दी गई है, शर्मानी चाहिए आपको बोलने के लिए। पहले दे देते ना चौधरी चरण सिंह जी को रेवड़ी लेने से तो कर दिया आपको, कहना चाहिए विपक्ष के साथ। अब एक एक भारत रत्न, भारत रत्न वो रेवड़ी नहीं था जब इंदिरा गांधी ने खुद अपने को दिया, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार को दिया, बोलो रेवड़ी था कि नहीं, बोलो रेवड़ी था कि नहीं, तुम्हारे साथ खड़े बोलो रेवड़ी था कि नहीं, उनको बोलो रेवड़ी था कि नहीं, आपको पावर नहीं दिया ना। जी जी जी, उनको अब पावर नहीं दिया। अब दूसरा दूसरा अब राम मंदिर यार, रोल एक 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 आप 3 मिनट बोला, मैंने आपको 3.5 मिनट बोला, बोल रेवड़ी बोल रही है, मैं आपको जो चारों में छुप गया आ जाके। अच्छा लेकिन आखिर तक कुरियन को रेवड़ी है। अच्छा अच्छा, राम मंदिर के विषय पर जो बोला गया, उन्होंने बोला कि राम दिल में रहते हैं, राम को मंदिर की क्या बात है, हमारे तो दिल में है राम, ये कहा गया। तो केजरीवाल जी दर्शन करने कहा गया, दिल में दर्शन कर लेते हैं। फिर वही क्या? अरे मैंने कहा मैं 3 बार, फिर वही क्या? क्या मतलब की बात कर रहे हो? अरे भैया सिर्फ पूछ रही है तो देखो, वो कहे मैं राम, सुनो सुनिए, एक मिनट सुन लिया आपने, सुन लो आपकी मन की बात करो, सुनते हैं आपकी मन की बात ही सुनाते चिल्लाइए मत, हमारी भी इन्होंने ट्रेन चलवाई है दिल्ली से राम मंदिर जाने के लिए, चलाएंगे आई नहीं कहा दिल में कर लो दर्शन, चलाएंगे। ए भैया, डिबेट में बोलने के लिए कुछ और वोट के लिए कुछ और, नानी जी ने कहा था कि उस मंदिर में भगवान वो नहीं स्वीकार करेगा, नानी जी की आत्मा दुखाकर चले गए, जाके चेक कर लेंगे। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जो दोनों जेल में 2022 के चुनाव में गए थे अयोध्या की, नहीं बोलिए बोलिए बताइए जो गए थे, ठीक है सुधांशु? अब चलिए, ये ना फिर वही कर रहे हैं, एक मिनट, फिर मेरा ये कह रहे हैं, अब भूखे भजन ना भजे गोपाला, गोपाला की पूजा भी होगी, राम की पूजा भी होगी, लेकिन काम धंधा भी तो होगा, ये कहते काम करिए काम करिए। अरे भाई केंद्र सरकार, तो आपको क्या लग रहा है जो राम की पूजा, जो राम की पूजा करते हैं, नहीं मैं कह रहा हूं जो राम की पूजा करते वो काम नहीं करते क्या? लोग नहीं, मैं खुद करता हूं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बात को समझिए, हम पूजा करते हैं, पूजा का एक समय है, उसके बाद में कर्म नहीं करना, भगवान कुछ कर सिखाया है, कर्म नहीं करना, सिर्फ माला बन जपते रहोगे, अरे काम भी तो कुछ कर लो। और जो बार बार कह रही है एक, अब आप बीच में बोल रहे हो, अब कौन बोल रहा है बीच में? देखिए चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान भारत रत्न से करोड़ों किसानों का सम्मान था, ये करोड़ों भारतीयों का सम्मान था, और इनकी ये सोच, इनकी ये मानसिकता दिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ इनको वोट की राजनीति के लिए इस तरीके का पन्ना दिखाते थे ये कांग्रेस के लिए, ये प्लेन पन्ना है देख लीजिए, और ऐसा ही पन्ना दिखा दिखा के जनता को ठग लिया। और आज चौधरी साहब का सम्मान हो रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है, चौधरी साहब का सम्मान हो रहा है तो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं राम दिल में रहते हैं, पर नानी ने जो राम बताए थे उनसे पूछे बिना चलेगा अयोध्या लेने के लिए, जनता को फिर झटक लेने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ये क्या क्या भारत रत्न रेवड़ी है? और ये तो सरकार का हुक्म था, इंदिरा गांधी ने खुद को दे दिया भारत रत्न, राजीव गांधी को मिल गया भारत रत्न, पंडित नेहरू को मिल गया, चौधरी चरण सिंह को मिल गया, कर्पूरी ठाकुर को मिल गया, तो बड़ी तकलीफ हो रही है विपक्ष को, पूरा विपक्ष को तकलीफ हो रही है कि जमीनी नेताओं को अगर भारत रत्न मिला है तो सबसे झूठी पार्टी तो बीजेपी है, बहुत झूठी पार्टी, बीजेपी की फुल फॉर्म है, बहुत झूठी पार्टी। ठीक है ठीक है, फाइनल राउंड 10 सेकंड, एक सेकंड लास्ट। चलिए अब फैक्ट ही बता देता हूँ, इन्होंने कहा कि राम मंदिर के साथ काम होना भी जरूरी है, तो जब राम मंदिर आया है 4 करोड़ गरीबों को गरीब आवास दे के आया, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दे के आया, 14 करोड़ घरों में नल लेके आया, हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क लेके आया है, भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आया है, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आया है, 3रा बड़ा सुनिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बना के आया है, 2रा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बना के आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे नंबर 1 का इन्वेस्टमेंट लेके आया है, और ऑल G7 G20 कंट्रीज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाली इकोनॉमी लेके आया है, और चांद के अछूते कोने को छूने वाले भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।